किया है सौरभ जी, वेलकम टू नांसी। हमारा खास आदमी। हेलो, एकदम आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ अबाउट यू? ठीक है ना? ऑल फाइन सर। This is how we apply Pyrog stand. So our technician from Patna has just arrived. उसको टाइट नहीं करना पड़ेगा? नहीं सर। बस लग गया स्टैंड। Most important and essential part. अकेला ट्राई मत कीजिएगा ना? अकेला ट्राई करने से मुश्किल हो जाएगा ना सौरभ जी? गाड़ी गिर जाएगा, फिर दिल में चोट लग जाएगा बहुत बुरी तरीके से, और जेब में भी लगेगा। तो सेकंड सर्विसिंग हो रहा है, दिस इज सेकंड सर्विसिंग। बेनेली 502C का, आफ्टर 6000 में करना चाहिए था, उतना पहाड़ में चला नहीं पाया, तो 3600 किलोमीटर में कर रहा है। इंजन ऑयल ठीक है? इंजन ऑयल ठीक है जी सर। ओके ना? सो जो देख रहा है पेनली 502C ले लीजिए, मज़ा आता है चलाने में। लो मज़ा आता है। सर्विसिंग का कुछ टेंशन नहीं है, पार्ट्स का कुछ टेंशन नहीं है, वो सब दूसरा लोग बोलता है, कुछ नहीं है। हमसे कांटेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हो जाएगा सब कुछ ना सौरभ जी? इधर देखिए तो, बोलिए तो, नो प्रॉब्लम। तो बेनली की कोई भी गाड़ी में कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए या सर्विस चाहिए, आप इनके चैनल पे नीचे कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा, आपके यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, सर्विस हो जाएगा। बस नो प्रॉब्लम गाइस, कम ऑन, यू गो टू ट्राई बेनली वंस इन अ लाइफ टाइम। लीजिए, ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इसका फिल्टर बहुत ही मुश्किल जगह में होता है ना, यहाँ पे होता है इसका फिल्टर। जी जी सर। वेरी डिफिकल्ट टू रीच, बट समहाउ सौरभ जी कर ही देता है। फाइनली द फिल्टर हैज बीन रिमूव, ऑयल फिल्टर। वाव, इतना सा होता है, इसका प्राइस कितना? 500? नहीं सर, 280 है खाली, उतना। इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। हार्ली डेविडसन कावासाकी की नींद तक वैसा उतना एक्सपेंसिव नहीं, सब के ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, ज़्यादा होता है ना उसका। इंस्टॉलेशन ऑफ, अभी इंस्टॉल कर रहा है सौरभ जी, थक चुका है फिर भी वो कर दे रहा है। इतना दूर से आया है, पटना से, मामूली बात नहीं है। और हमारा हिंदी थोड़ा ऐसे गड़बड़े, माफ कर दीजिएगा। तो ये फिट हो गया नया ऑयल फिल्टर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जितना बार चेंज होगा, सर्विस होगा, उतना लाइफ बढ़ेगा भाई, कभी चलाने में भी मज़ा आएगा। सौरभ जी अभी क्या क्या हो रहा है? अभी ये क्या हो रहा है? ये इसमें इंजन ऑयल डाल रहे हैं सर। तो इंजन ऑयल डालने के लिए, इंजन ऑयल ड्रेन हो चुका है, अब इंजन ऑयल इसमें जा रहा है। अच्छा, तो ये आप जो पीछे करवाए थे, हाँ जी, तो ये जब तक रिमूव नहीं होगा इंजन ऑयल जाएगा। ओ, उसके कारण से जी। तो फास्ट है ना जगह एडजस्ट के लिए? तो पहला इतना आगे था, तो हमारा हाइट उतना नहीं है अमिताभ बच्चन का जैसे, तो फिर क्या किया गया, थोड़ा पीछे कर दिया है। लेकिन 5 feet 4 inch 5 feet 7 8 आराम से चला पाएगा, नो प्रॉब्लम ना? हाँ, बाइक आराम से चला पाएगा, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी रिगार्डिंग द सीट हाइट ना। तो बेनली 502C में 15W50 लगता है, GASMO, MA2 तो एक क्लच के लिए भी ना इम्पोर्टेंट, ग्रेट होना ही चाहिए। तो इंजन ऑयल चेंज हो गया है, अब कितना 3548 किलोमीटर चला है, कर दिया है सेकंड सर्विसिंग। सेकेंड सर्विसिंग भयो,
फ्यूल टैंक रिमूव होगा। हाँ, फ्यूल टैंक रिमूव के लिए ये सब खोलना पड़ता है ना। एलएन की कितना नंबर का लग रहा है ये? हाँ सर, चार नंबर 4 mm एलएन की से बहुत मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ पे मुश्किल इसलिए सर क्योंकि ठंड में गड़बड़ हो जाता है, ज्यादा अकड़ जाता है, और हम अगर हाथ लगा दिया तो 2 पीस हो जाता अभी तक। मुश्किल खोलेगा तो तोड़ देगा। मुश्किल इसका ही दाम होगा बाप। गुल गुल सुनेगी। फिर उस सेट का भी, इस सेट का भी तो एलन की नॉट खोलना पड़ता है ना। जी सर, दो ठो का और ये वाला दो ठो। ये खोलने के बाद फिर उसका भीतर में थोड़ा ऑपरेशन होता है ना, उसका सर्जरी, क्या क्या निकालना पड़ता है। ये नट भी खोला जाएगा, लेकिन डिजाइन अच्छा से किया है ना। टैंक थोड़ा छोटा देना चाहिए था, ये थोड़ा आधा देना चाहिए था ऐसा लगता है। इसके चक्कर में ना टर्निंग रेडियस भी तो नहीं दिया है कंपनी। नहीं, बेंटली का सारे बाइक का टर्निंग रेडियस इतना ही रहा है। हाँ ठीक है, कोई भी बाइक चलाइए। क्यों ऐसा होता है? स्टेबिलिटी के लिए सर, कि हरकत ज्यादा कर लेता है ना लड़का लोग, भारी गाड़ी भी है इसलिए। तो सौरभ जी एक्सपर्ट है, आराम से कर दे रहा है। अब मोटा मोटी आधा एक घंटा में तो हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। अब क्लच का, क्लच का नॉइस नहीं था ना? नहीं नहीं, वो आपका फुटरेस्ट का आवाज खर कर। एक बार तो हम भी तो वैसे टेंशन हो गए, सुने तो कि ये क्या आवाज। वही तो सेकंड सर्विसिंग में आवाज आ गया तो फिर हम तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अच्छा, ये वाला एक तो, वो एक तो टॉर्च दीजिए ना, लाइट, एक मिनट लाइट लगाए। हाँ टॉर्च दीजिए तो हमको दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है। ये तो नॉट तो खुल गया, तो अभी क्या क्या हो रहा है। ये वाला खुला गया और बाप रे, तो मुश्किल है यार, रबर ही हार्ड हो जाता है। ओ ठंडा, ठंड के कारण से जी रबर हार्ड हो जा रहा है। इतना हार्ड नहीं होता। ओ अच्छा, अच्छा यहाँ का रिमूव हो गया है। उसको किस खींचना पड़ता है ये लॉक को? दबा के खींचना है। फिर यहाँ का एक तो वो ये वाला कॉपलर में क्या है ना, हम बहुत सारा है ना जी सर, वो पाइप सब निकालना पड़ता है जी। बाप रे बाप, थोड़ा मेहनत का काम है। फ्यूल टैंक रिमूव कर दिया है, अब इसका एयर फिल्टर बॉक्स मुझे रिमूव करना है क्योंकि स्पार्क प्लग जो हमको क्लीन करना है वो इसके एयर फिल्टर के नीचे है। तो चलिए ये बॉक्स रिमूव करते हैं। रिमूव करेंगे। ओके सौरभ जी, तो एयर फिल्टर रिमूव करने के लिए सौरभ जी ये सब खोलना पड़ता है ये दोनों साइड से? जी सर। बाप रे बाप रे बाप, बहुत कुछ खोलना पड़ता है। ये दोनों साइड, ये दोनों साइड खोलना पड़ता है। ठंड के कारण से पूरा हार्ड हो गया। सौरभ जी को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, अच्छे भी नहीं होगा, टायर ही लगाना पड़ेगा। वो क्या चीज है वो सेंसर? एयर टेम्परेचर सेंसर। हे भगवान, क्या क्या है। तो कवर भी खोला जा रहा है, अभी विंटर में जल्दी रात हो जाता है और हम लोग को लाइट यूज करना पड़ रहा है। सौरभ जी उसमें क्या है वो? कैसे, वो क्या चीज है इसमें? ये लॉक के लिए है। देखिए सर,
इसको भी खोलना पड़ रहा है, पूरा कंप्लीट खोला जा रहा है। इससे क्या एक्सेस होगा, अंदर में क्या दिखाई देगा? यहाँ से दिखाई नहीं देगा सर, एक बोल्ट है। एक बोल्ट होता है जी, वो बोल्ट सिलेंडर रिमूव करने के लिए जरूरी है। अरे बाप रे, उतना मुश्किल है? तो स्टंट बाइक हो गया, नेकेड बाइक अभी तो पूरा। बैटरी यहाँ रहेछ, सक वर्क रहेछ। ओ बाप रे बाप रे बाप रे, बोल्ट है वहाँ पे, किसी को पता नहीं चलेगा वो वहाँ पे बोल। हम बोले ना आपको, वो कंप्लीट निकलता है उससे। चमकता वो टोटल हम आज तक नहीं देखे चलते हुए। अरे इतना चमक रहा है सर जी, सचमुच में? जी जी सर, क्लीन ही है ना इतना? थ्रोटल बॉडी की क्लीन ही है ना इतना? हाँ हाँ। अभी स्पार्क प्लग रिमूव किया जा रहा है ना जी। बाप रे बाप रे, बहुत डिफिकल्ट जगह में है स्पार्क प्लग। कैसे एक्सेस करना पड़ेगा इसको? घाम का किराना आज ही दिखाई देगा इसको, स्पार्क प्लग को ना। फर्स्ट सर्विसिंग में भी नहीं खुला था, अभी सेकंड सर्विसिंग में खुला जा रहा है, देखेंगे। और स्पार्क प्लग का सौरभ जी कैसे पता चलता है कंडीशन कैसा है, क्या चीज़ है, थोड़ा बताइएगा। ठीक है सर। स्पार्क प्लग और जेंगो घर जा, घर चले जाओ, घर चले जाओ, बदमाशी मत करो, बेनेली देखने के लिए मत आओ, रात पड़ गया है, जाओ घर जाओ। अरे पूरा पलटन आ गया रे, ए बेनेली लवर्स, कल आना, अभी रात हो गया, घर जाओ। ओ अच्छा, यहाँ पे है मैग्नेट है उसमें जी सर। ओके, मैंने ये नहीं होने से तो गया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल से निकलेगा। तो थोड़ा बता दीजिए। बता दें सर, देखिए ये जो ये है ना, जो ऐसे है ये सबसे मेन होता है। अच्छा, ठीक है। अगर ये पूरा काला है और इस पे हल्का कार्बन जमा हुआ है, मतलब कि आपका गाड़ी माइलेज नहीं दे रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर इस पे हल्का डस्ट पार्टिकल आया हुआ है, मतलब कण जो बोलते हैं ना, लोहा का कण, आयरन पार्टिकल अगर इस पे आया हुआ है, मतलब कि इंजन आपका खराब होने वाला है, कोई चीज इंजन के अंदर टूट रहा है, स्पार्क प्लग पे आ रहा है। ये लाल रहे लाल, तो मतलब कि गाड़ी में पावर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उस समय भी माइलेज कम दे रहा है। अच्छा, व्हाइट है, माइलेज दे रहा है, लेकिन आपका प्रॉपर व्हाइट नहीं है, मतलब कि फिल्टर गंदा होगा। ओके। और ये हल्का देखिए, हल्का व्हाइट है, बाकी ब्लैक ही है, मतलब कि आपका फिल्टर गंदा है ना जी सर। उसका चक्कर में फिर माइलेज भी तो कमती हो जाएगा ना। और दूसरा चीज होता है ये स्पार्क प्लग का, ये चेक किया जाता है कि इसके कितना नंबर में चेक किया जाता है। 0.8 या 0.5। 0.8 या 0.5 जी। रिकमेंड कौन सा करते हैं आप, कौन सा कितना में करना चाहिए? 0.75 हम लोग देखते हैं, रहना अच्छा, चाहिए। अच्छा, नहीं तो 0.8। ओके, 0.8।
एक्यूरेट 0.75 0.75 एक्यूरेट ना, सही है। ओके देखिए 0.80 में नहीं जा रहा, हां 80 में जा 0.7 मतलब कि सही है, एक्यूरेट एक्यूरेट। चेंज कर रहे हैं पुराना वाला एयर फिल्टर, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गंदा है, तो ये हटाना पड़ेगा, इसको डिस्कार्ड करके नया वाला डालेंगे। ये है नया वाला एयर फिल्टर। हां जी सौरभ जी, अब नया वाला कितना 6000 किलोमीटर चलेगा ना, यहाँ का रास्ता कंपनी का लाइफ ही है, मतलब 6000 किलोमीटर 6000 ओके। रात पूरी गयो, अब नवंबर का टाइम हो, नवंबर का टाइम है, जल्दी दिन ढल जाता है। तो वाह नया एयर फिल्टर लग रहा है, आई एम हैप्पी। लेकिन एयर फिल्टर सही काम किया है ना सौरभ जी, बहुत अच्छा किया, टोटल बॉडी तो बहुत क्लीन था उसका।